क्लास सेवन चैप्टर फोर की एक्सरसाइज 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स करवाती हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2y + 5/2 इज इक्वल टू 37/2। 2y यही रखना है, ये प्लस का है, ये आपकी LHS और ये RHS साइड। तो अब ये इस साइड में LHS साइड में प्लस है तो उस तरफ माइनस, तो जो 5/2 क्या हो जाएगा माइनस। 2y इज इक्वल टू 2 LCM 37 - 5, 32/2 कैंसिल करेंगे तो 16। अब 2y इज इक्वल टू है 16, 2 मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ डिवाइड में, प्लस में है तो RHS साइड में माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट जो हमारा डी पार्ट है वो करते हैं, इसमें q/4 q की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो q को इस तरफ रखेंगे इज इक्वल टू 5, 7 प्लस का है तो उस तरफ माइनस का, q/4 7 - 5 = 2, साइन ग्रेटर 7 के पास है तो माइनस का साइन लगेगा। अब 4 यहाँ डिवाइड में है तो RHS साइड में किस में होगा मल्टीप्लाई में, 4 की मल्टीप्लाई 2 से 8, वो क्या होगी माइनस, साइन माइनस का तो माइनस का लगाना है। नेक्स्ट जो हमारा जी क्वेश्चन है वो कैसे करेंगे, इसमें हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 7m को वैसे ही रखना है सेम, इज इक्वल टू 13, 19/2 प्लस का दिया हुआ है तो उस तरफ माइनस का, 1 और 2 इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 2, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 26, 2/2 1 की मल्टीप्लाई 19 से तो ये होगा 7/2। अब 7 यहाँ किस में दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन में तो उस तरफ डिवाइड में, 1/7, 7 से 7 कैंसिल, तो जो m की वैल्यू वो क्या होगी 1/2। इस तरह जो हमारा i पार्ट है वो कैसे करेंगे, 3L/2 दिया हुआ है, l की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, l इसी तरफ रखना है, 2 डिवाइड में है तो उस तरफ मल्टीप्लाई में, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3। अब ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है, अगर उस तरफ जाएगा LHS RHS साइड में तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो जो हमारी L की वैल्यू होगी वो 4/9। इसी तरह आप फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी पार्ट सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसको करने का क्या तरीका है, ये 2 इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में है तो x + 4 को सेम रखना है, LHS में मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ डिवाइड में, तो 12/2 6, जो x + 4 के इक्वल्स में क्या होगा 6, x + 4 = 6, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 4 ये प्लस का है तो उस तरफ माइनस, तो 6 - 4 = 2। नेक्स्ट ये ई पार्ट हम ऐसे ही करेंगे, जो 4 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है वो RHS साइड में डिवाइड में होगा, 4 से इसको कैंसिल करेंगे 2 पे, तो जो 2 - x है वो इक्वल्स होगा 2, माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो इस तरफ रखो 2, प्लस का 2 है तो उस तरफ माइनस का, 2 - 2 = 0, 0 के माइनस का साइन यूज़ करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो जो एक्स की वैल्यू वो क्या होगी 0। नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन के कुछ पार्ट करके देखते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, वही इक्वेशंस दी हुई है, ये 5 इन दोनों के मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ डिवाइड में होगा, इज इक्वल टू p - 2, वैल्यू फाइंड आउट p की करनी है तो p को यही रखना है, इज इक्वल्स टू p, ये माइनस 2 है, अगर इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस 2, 1 और 5 का एलसीएम 5, 5 की डिवाइड 5 से 1 तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से 4, 5 की डिवाइड 1 से 5, 2 की मल्टीप्लाई 5 से 10 इज इक्वल्स टू पी, जो पी की वैल्यू वो क्या होगी 4 + 10 = 14/5।
नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है इसको कैसे करेंगे, इसमें दिया हुआ है 4 + 3 × t + 2। तो सबसे पहले जो ये 4 है यहाँ पे प्लस का, इसको इस तरफ लेके आना है, जो कि होगा माइनस का, प्लस का था तो इस तरफ माइनस का, बाकी जो बचा है उसको सेम लिखना है 3 × t + 2। 16 − 4 = 12, 3 × t + 2। अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन की तरह सेम करना है यही कि 3 मल्टीप्लिकेशन में है इस तरफ डिवाइड में, t + 2, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 4 पे कैंसिल होगा, जो t + 2 = क्या होगा 4। अब नेक्स्ट वही करना है, t की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए t को वही रखना है, प्लस का 2 है तो इस तरफ माइनस का 2, 4 − 2 = 2, तो जो t की वैल्यू है वो क्या हुई 2। इसी तरह आप इसके बाकी बचे 3 पार्ट्स भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन 4th, उसका ए पार्ट में सॉल्व करवा रही हूँ। कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विद x = 2। x = 2 दिया हुआ है, इससे हमें कितनी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है, 3 इक्वेशन। तो स्टार्ट किससे करना है, x = 2 से स्टार्ट करेंगे। तो इक्वेशन बनाने का तरीका क्या है, या तो आप इसको जैसे मल्टीप्लाई करके भी इक्वेशन बना सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, दोनों साइड्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, 2 से इसकी मल्टीप्लाई 2x, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4। अब इससे ही अगली इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी, तो अगली इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करने के लिए जैसे अब आप माइनस मल्टीप्लाई यूज़ कर चुके हो, तो आप कर लो एडिशन, ऐड मतलब दोनों साइड ऐड कर दिया, ऐड 2 बोथ साइड्स। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 ऐड करना है तो 2x + 2, ये इस तरफ 4 + 2 क्या होगा 6। तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बनी ये। अब लास्ट आप एक और इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, इसमें आप क्या करके माइनस करके, अगर आप माइनस कर दो इसमें से 1 बोथ साइड, माइनस 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, जो हमारी लास्ट इक्वेशन आई थी 2x + 2, उसमें से क्या माइनस करना है 1, दोनों साइड में से करना है तो 6 − 1 2x, 2 − 1 1, 6 − 1 5। इस तरह आपकी जो 3 इक्वेशंस है वो कंस्ट्रक्ट हो गई, इनको कंस्ट्रक्ट करने का यही तरीका है। नेक्स्ट में x = −2 दिया हुआ है, तो पहले जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये इक्वेशन बनेगी, फिर इसमें आप 2 ऐड कर देना और लास्ट में क्या कर देना 2 माइनस, और इस तरह 4.3 कंप्लीट अपनी फेयर नोटबुक में राइट करोगे।